आज ठीक 7 बजे महाआरती यहाँ पर करनी है सबको, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने घर के सामने चौक पूर करके दीपक जलाएं और एक दीपक लेकर के जरूर संध्याकालीन भगवान की आरती में भाग लेंगे तो जरूर पहुंचे इन्हीं शुभ धन्यता के साथ। आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता यहाँ विगत वर्षों से संचालित है, तो जरूर आप अपनी थाली सजा करके लाएं। आइए हम सब पुनः कथा प्रसंग से जुड़े, जैसे कि अभी आपने श्याम दीवानी मानस परिवार बेमेतरा का उद्देश्य आपने सुना, स्वयं का सुधार। तब मैं कहता हूं, देखते ही देखते देखते ही देखते दिन यूं ही गुजर जाएगा, कब तक निहित स्वार्थ के लिए दूसरों को सताएगा। देखते ही देखते दिन यूं ही गुजर जाएगा, कब तक निहित स्वार्थ के लिए दूसरों को सताएगा। अभी मिला है मौका सुधार करने अपने को, नहीं तो अंत समय आने पर बहुत पछताएगा। तो हमें पछताने की जरूरत नहीं है, इसलिए जब भी यहाँ से सीताराम भजे, राम राम का उच्चारण हो, कथा भजन गाया जाए, तो आप लोग सीधा जुड़े उसे ताली बजाते हो मिट्टी ताली के साथ। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
हरियावर रामचंद्र की जय। आओ सबसे पहले गजानन स्वामी को वंदन करबो, फिर पुनः भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की कथा में प्रवेश करबो। ओकर से पहले एक बार खाके जरूरत है, ताली हो जाए गाना खाना, दोनों हाथ ऊपर करके बोल सासे दरबार की। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। Thank you.
श्यावर रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। जयकार लगत लिए दीदी हो, बहुत ही सुंदर अवसर और ये अवसर बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं, काबर की बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे भैया मन करेंगे। आज समय में हम ला करके भगवान प्रभु परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के सुंदर आज कथा चर्चा करे और कथा में प्रवेश करे से पहले एक बार आप सबसे निवेदन चाहूं, जोरदार ताली के साथ जयकारा लगाना है, दोनों हाथ ऊपर करके बोल साचे दरबार की। एक जन्म कर कारणे जेहि लगि राम धरि नर देहा। मानस कवि सज्जनों आज बहुत ही सुंदर भाव भगवान एक जन्म के कारण कह रहे हैं, एक जन्म में आज भगवान मनुष्य के उद्धारण करे रहे हैं। आज वही कारण बतावा देखो स्वामी तुलसीदास जी और किस का एक जन्म कर कारण यहा जेहि लगि राम धरि नर देहा। एक समय के बाद दीदी हो जिन समय में आज भगवान रामचंद्र जी मनुष्य के देह धारण करे काबल काबल हमर रक्षा करे खातिर जितना भी जीव जंतु है जितना भी संत मुनि है ये सबके रक्षा करे खातिर सबके हित के लिए आज भगवान मनुष्य का अवतार लेकर के प्रागट्य होरी साज हो कारण बताए लगे एक जन्म कर कारण यहाँ जय लगी राम धरि नर देहा। इस समय की बात नहीं जिस समय में भगवान आज मनुष्य के रूप धारण करे आज वही लतु कहे का कि हे भारद्वाज मुनि मोर बात सुनो। भगवान प्रत्येक अवतार के कथा भगवान की जो प्रत्येक अवतार के कथा जो कवि मन लिख करके रचना करे नाना प्रकार से आज कथा के का करे इस समय वर्णन करे इस मानस में सज्जनो। प्रति अवतार कथा प्रभु के रि सुनि मुनि वर्णी कभी न घरेनी आज जितना कवि रही वो सब सभी मिल करके आज भगवान के जो अवतार की कथा रही भगवान के अनेक प्रकार अनेक रूप आज वही रूप के नाना प्रकार रूप के आज जितना भी कवि ऋषि मिल करके भगवान के जो अवतार ऋषि अवतार के वर्णन करे इस मानस में सज्जनों। जैसे जैसे बात आगे बढ़ते तो नारद जी के बात पूछते तो नारद जी श्राप दे दे रहे आज वही लतु किसका नारद श्राप दिना एक बार कलप एक दे लगी अवतार। मानस में सज्जन एक समय के बाद जैसे बात आगे बढ़ते तो नारद जिला सांप मिले और सांप इसे मिले इसका कि एक कल्प में ओकर लेते अवतार होवे एक कल्प में ओकर लेते अवतार लेकर के आवे। ये प्रकार से आज सांप मिले समय इस बात सुन करके आज माता पार्वती ने समय ना वो आश्चर्य चकित हो लगते बड़ा चकित हो लगते मानस में सज्जनो और आश्चर्य चकित होकर के आज बोले लगे हे नारद जी तो विष्णु के भक्त है और विष्णु जी तो बहुत बड़े ज्ञानी तेला कौन प्रकार से सांप मिले कौन प्रकार से सांप के प्राप्ति हुई। ये प्रकार से आज माता पार्वती समय आश्चर्यचकित होकर के पूछे लगते मानस में सज्जनों आवे एक छोटे से भजन पुनः कथा में जुड़वो बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। मानस में सज्जनों, आज एक समय रही जिस समय में आज नारद जी रिश्ते सांप दे दी, तो जैसे यहाँ सांप दे तो आज उला कल्प के अवतार हुए, वही प्रकार के नाना प्रकार के भगवान के जो अवतार रही अवतार के वर्णन करने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये बात सुन करके इस समय लजान करके माता पार्वती चकित हुई लगी और बोले लगी, नारद जी तो विष्णु भक्त है और ज्ञानी है, लेकिन कौन प्रकार से सोच करके आज साप देवत कौन प्रकार से यहाँ बोला थे। ये बात आज माता पार्वती से विचार कर लगते वारस में सज्जनों, विचार करके आज आश्चर्यचकित होते, तो जैसे जैसे आज ये बात आगे बढ़ते तो आगे जैसे बढ़ते तो कहे नहीं का कारण कवन श्रापो मुनि दिन का अपराध मापति के न। मानस में सज्जनों, आज की आज मुनि मन से कहा था, मुनि मन से कौन प्रकार से कौन कारण से आज भगवान ला सांप देवत है, ये कारण का है, ये कारण तो जान ले पहले आज पूछे लक्ष्य मुनि मन से भगवान ला कौन कारण से सांप देवत है का अपराध रमापति किन्हा। आज लक्ष्मीपति भगवान के का कहन इसका अपराध जिन कारण से आज उला सांप मिलत है। हे पुरारी हे शंकर जी, एक कथा आज बोला सुनाओ, एक कथा आज बोला बताओ कि कारण का है, ये कौन कारण से आज भगवान सांप दे जावत है, ये कारण आज पूछे लक्ष्य मुनि मन से। आज मुनि मन इस दिन भगवान बोला सांप कारण कवन श्राप मुनि दिन का अपराध रमापति किन्हा। आज भगवान से पूछ लक्ष्य का अपराध का है, ये कारण का है, ये कारण ना बोला बता दो आज भी किस की हेति पुरारी शंकर जी, ये कथा आज बोला बताओ कि आज मुनि नारद के मन में मोह होना बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, काबर की नारद हेति की बात लौती करने वाला है, तो मन में बिल्कुल मोह होना बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। मुनि मन मोह आचरच भारी, आज मन में संत करने लगे कि आज नारद के मन में इतना मोह काबर है, इतना मोह के मोहल देख करके आज आश्चर्य हो लगी। मानस में सज्जनों, ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, ये प्रकार से आज बोले लगे। जैसे इस प्रकार से बोलते तो आज भगवान शंकर लगे थे कि हे शंकर जी, हे पुरारी जी, एक कथा आप मन मोला बताओ, तो आज भगवान शंकर जी की बात को सुनते तो हंस करके कहे लगते का बोले भी हसी महेश तब राम ज्ञानी मुड़े ना कोई हो राम। मानस में सज्जनों, ये बात सुन करके आज भगवान शंकर जी हंस करके कहने लगते ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। आज भगवान शंकर जी ओ मुनि के बात की संभव होती सो बात सुन करके आज हंसे लगे मानस में सज्जनों और हंस करके बोले लगे ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। आज भगवान रघुनाथ जी जब जेला देख ही ना ओकर ऊपर जैसे आज कर ही आज वही क्षण ही का हुई सत्य हुई, ये प्रकार से आज बोले लगते कौन भगवान शंकर जी। हां हंस करके बोले लगे इस मानस के सज्जनों बोली भी है सी महेश तब ज्ञानी मुड़ ना कोई जे ही जस रघुपति कर ही जस जब सोतस्ते ही क्षण होई। जैसे आज भगवान के कृपा हुई भगवान के आज प्रेम हुई तब जाकर के क्षण उही प्रकार से लमाने जाइए, मतलब न तो कोई मूर्ख नहीं है न तो कोई ज्ञानी नहीं है, ये प्रकार से आज भगवान शंकर जी वहां हंस करके बोले लगते मानस के सज्जनों। जैसे आज हंस करके बोले लगते जैसे जैसे आज बात आगे बढ़े लगते आज याज्ञ वक्कल जी कहे थे आज कि हे भारद्वाज कहूं राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनो भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी जी मान मद। जिन प्रकार से आज कहे लगी भारद्वाज लगी हे भारद्वाज जी आज मैं भगवान रामचंद्र जी के जो गुण है वो गुण की जो कथा है वो कथा आज मैं कहना चाहता हूँ, आप मने कथा आदर सहित आदर पूर्ण थोड़ा से सुन लेते हो, आदर पूर्ण थोड़ा सुन लेते हो। ऐसे कह के तुलसीदास जी किसका भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसित जी मान मद। जिन प्रकार से आप तुलसीदास जी की मान और बदल छोड़ करके आवागमन के नाश करने वाला रघुनाथ जी के भजन कर रघुनाथ जी के जैसे आज भजन करेवे ना बोला हर गलत कर्म है कर्म से
दूर हो जावे हमेशा तुला धन ध्यान के प्राप्ति हमेशा तुला कल्याण के राह मिली। ये प्रकार से आज भगवान राम के कथा लखे बराज गोस्वामी तुलसीदास जी की थे। अब एक भजन के माध्यम से आप के बिल्कुल ताली होना चाहिए ना दोनों हाथ पर करके। और भगवान कौन बोला ताली दे दो बहुत झलक आ रही है वो गीत के भाव से आप के विजय प्रदर्शित करबो बोल श्याम रामचंद्र की। सबसे पहले कोलतारी से डोंगा चलैया के वटला तारे राम डोंगा चलैया के वटला तारे राम। ताली बजना चाहिए दीदी है ना जब तक भजन चले तब तक। जन भुला हो जी जन भुला हो ना जन भुला हो जी जन भुला हो ना महिमा हमें महा राम लखन सीता।
आज भगवान रामचंद्र जी के कथा यही कथा लाल गोस्वामी तुलसीदास जी के हिस कि भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसीत जी मनमाद। जिन प्रकार से आज मानव बदल छोड़ करके आवागमन के नाश करने वाला भगवान रामचंद्र जी सरकार करो भजन करो, जिन भजन करे से आज भव से पार होना है। यही प्रकार के सब मन सबरी के वान सुग्रीव सब भगवान से प्रेम कर तभी जा करके कर उद्धार स्थिति हो। और भगवान ने देखना अपन आपके लिए बहुत बड़े धन्य की बात है। भगवान के रूप अनेक प्रकार के नहीं, नाना प्रकार के भगवान के। आज जैसे आगे बढ़ते बात में अब चल दिस कहा हिमालय पर्वत में, हिमालय पर्वत में जाते हुए बहुत बड़े कार्य थे गुफा रीति दीदी हो। वो गुफा के तीर में वो समीप में आज सुंदर गंगा नदी बहत है। आज वही गंगा नदी के परम अनुपम जो रूप है और रूप देखे लगत है आज वही लोग कहे लगे इसका हिमगिरी गो हाय गति पावनी बह समीप सुर सारी सुहावनी। मानस में सज्जन जैसे आज हिमालय पर्वत में जाते और हिमालय पर्वत में जाते तो एक बहुत बड़े काय दिखाई दे लगते गुफा दिखाई लगते थे हो। और गुफा के जैसे तीर में जाते ना तो वही गंगा नदी आज अपन सुंदर गति के साथ सुंदर वेग के साथ आज बहते है। आज ओकर सुंदरता देखा थे जैसे आज ओकर सुंदरता देखा थे देख करके आज परम पवित्र सुंदर आश्रम ला जैसे जैसे आगे बढ़ते आज आश्रम देख करके आज नारद जी के मन में बहुत खुशी हो लगते और मन में आसुहावना पन उत्पन्न हो लगते। आश्रम पनम पुनित सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। जैसे आज नारद जी देखी नव दृश्य ला तो देख करके आज ओकर जो मन रही नारद जी के वो खुशी के कारण गदगद खोले की मानस पे सज्जनो। ये प्रकार के आज सोचे लगते आज नारद जी इतना सुंदर दृश्य ले देखा थे। जैसे आज हिमालय पर्वत में जाते जा करके देखा थे का गंगा जी और गंगा जी के तीर में आज सुंदर आश्रम ला देखा थे। वो आश्रम देख करके नारद जी के जो मन रही वो मन आज सुहावना होने लगी इस मानस पे सज्जनो। जैसे जैसे आज आगे बढ़ते जैसे जैसे आज आगे बढ़ते तो आज पर्वत नदी वन के आज सुंदरता अनेक प्रकार के विभाग देखते नारद जी अनेक प्रकार के दृश्य देखते। और जैसे आज दृश्य देखते तो नारद जी के जो मन भी सुहा लक्ष्मीकांत भगवान के चरण में का होंगे प्रेम होने लगी मानस में सज्जन वाला। लक्ष्मीकांत जो भगवान जी ने भगवान के चरण काल में प्रेम होने लगी नारद जी ला आज भगवान की स्मरण करते करते स्मरण करते करते जो मुनि के साप रही जो साप ईश्वर दक्ष प्रजापति ला दे दी। और जैसे आज दिस तो आज कारण इसका कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ठहर सका आज वही लतो कहे का सुमिरत हरी श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। मानस तुम्हें सज्जनों आज दक्ष प्रजापति ला दे दी सो रहे श्राप लाओ कहे लगी इसका कि तह एक कारण से एक स्थान में नहीं ठहर सका तो गति आज रुक ये प्रकार के आज मन में स्वाभिक ही निर्मल हो से आज उकर समाधि लगी लगी ये प्रकार के भाव आज हम सबके बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते थे। आओ एक छोटे से भजन लेबो फिर कोना कथा में जुड़बो। बोल से अवर रामचंद्र की जय। लखन सिया
सियावर रामचंद्र की जय। आइए मानस में सज्जनो, आज नारद जी नहीं, जैसे आज आश्रम में प्रवेश करते हैं, अनेक प्रकार के तरह तरह के आज दृश्य देखे लगते, जैसे आज दृश्य देखते तो कर मन आज खुशी से गदगद हो जाते मानस में सज्जनो। जैसे आज आगे बढ़ते हो, जैसे आज देखते कि आज गति नारद जी आज आगे बढ़ते तो आज इसी स्थिति देखे लगते। तपो में स्थिति देख करके आज देवराज जी थे इंद्र, आज इंद्र देहो का हो जाते डर जाते मानस में सज्जनो। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्न सनमाना। आज जैसे आज नारद मुनि के तपो में स्थिति देख करके देवराज इंद्र देह में डरे रहते और डर करके आज वह काम देवला भुला कर आदत सत्कार करने लगे। बोलते हो कि थे कि आज मोर जो हित के लिए ते अपन जो सहायक सही थे मैं आज नारद जी समाधि में भंग करे चल दी। जैसे आज समाधि में भंग करे बात को सुन थे आज बिंधुज पाम देखो मन में प्रसन्न होकर के आज आगे बढ़ते। जिसे आज आगे बढ़ते मानस में विसर्जन देखे लगते आज इंद्र के मन डरे लगते कांपन नारद जी की स्थिति ल देख करके। काबर की नारद के मन में आज मोह आगे तो मोह आना बहुत बड़े आश्चर्यचकित के बात रही। आज वही कारण से नारद जी ने देख करके आज इस स्थिति ल देख करके देव राजेंद्र जी डरे लगते। जैसे जैसे आज इंद्र जी के मन में आज डर होते तो आज देव ऋषि नारद जी ने अपन पूरा जो अमरावती के निवास है राज्य है उला चाहत थे आज जगत में जो काम के लोभी होते वो कुटिल होते कौवा की तरह सबला सबसे आज डरना होते। आज वही प्रकार से आज डरे लगते इंद्र देव काल नारद जी लगाबर नारद जी एती के बात ना होती करना होती के बात में एती करना होकर कामेरी समय मानस में सज्जन। तो आज ऐसे ही श्री देव डरते तो हिल चुके थे का सुना सिर मन महु अस्त रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा जे कामी लो रूप जग माही कुटिल काक इव सब ही डराई। मानस में सज्जनों जिन प्रकार से आज इंद्र के मन में ये डर ऐसे डर हो उसके देव ऋषि नारद मुनि जी मोर अमरावती के निवास ला राज्य न मंगे झन इगर बारे में कुछ कहे झन। आज और डर होए लगे मानस में सज्जनों आज इंद्र देव के आश्रम ल जिसे आप देखते राज्य ल देखते तो नारद जी के मन आज खुशी से गदगद हो जाते। तो आज वही चीज के डर होए लगे कौन ला इंद्र देवला। जैसे आज इंद्र देवले डर होते कि आज नारद जी मोर जितना भी अमरावती के निवास है राज वाला मांगे झन आज जगत में जो कामी है लोभी ऐसे आज होते ही कावर की आज अगर मन गदगद हो गए अगर कहीं बोल दे तो ये बात को लेकर के आज देव राजेंद्र जी से इतना भय हो लगे इस मानस में सज्जनों और भय जिस हो तो आज की जैन प्रकार से कुटी रूपी से कौवा की तरह सबसे डरना आज वही दृश्य आज का कर में दिखाई देवत है। देवराज इंद्र जी के आज नारद जी देख करके डरे लगत है और जैसे आज आगे बढ़ते बात जैसे आज पूरा नगर देखना चाहते देवराज इंद्र जी के अमरावती नगर देखना चाहते मुनि जी और जैसे आज आगे बढ़ते तो कहते का सुख हार ले भाग सट हो स्वान निरग मृग राज हो राम। जिन प्रकार से आज गुरु को तस्सील देख करके सुखी हड्डी लेकर के भागते जिन प्रकार भागना ल देख करके कुल सब मूर्ख समझते कि आज वो हड्डी में जो है वो हड्डी तो सिंह नहीं छीन ले लेकिन डर करके भागना काबर। एक प्रकार से आज गोस्वामी तुलसीदास जी बता जिन प्रकार से आज नारद जी हम राज्य न छीन ले हे प्रकार से आज देव राजेंद्र से बसे मन में सोचे लगते दीदी हो और सोच करके आज ये लगते काम ऐसा सोचा था मन में ला जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए छीनी ली जली जान जड़ तीमी सुरपति ही न लाज। आज मैं ऐसा सोचा था मोला अपन आप में लज्जा आना चाहिए ऐसा आज भाव हम सबके बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते। अब एक छोटे से भजन फिर पुनः कथा में प्रवेश करबो।